Let's do question number first of exercise 8.2, that is comparing quantities. Question number first is, a man got a 10% increase in his salary. Ek man ko 10% increase mila uski salary mein. If his new salary is rupees 1,54,000, agar 10% increase hone ke baad salary mein uski salary 1,54,000 बन जाती है, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी. तो हमें ये बताना है पहले उसकी कितनी सैलरी थी. तो हमें ओरिजिनल सैलरी नहीं पता, और जो चीज़ नहीं पता होती तो उसको हम वेरिएबल मान लेते कोई सा भी. तो हमने लेट कर लिया, लेट द ओरिजिनल सैलरी बी, ओरिजिनल सैलरी बी एक्स रुपीज़ है, राइट. अगर हम ओरिजिनल सैलरी को एक्स मान लेते हैं तो ओरिजिनल सैलरी कैसे बनेगी. तो देखिए, हमारी न्यू सैलरी कैसे बनी, न्यू सैलरी जो होगी वो कैसे बनेगी, ओरिजिनल सैलरी जितनी थी, ओरिजिनल सैलरी और उसका 10% ऑफ ओरिजिनल सैलरी का, ओरिजिनल सैलरी ओ एस लिख रही हूँ ओरिजिनल सैलरी को. देखिए, नई सैलरी जो बनेगी, जो पहले सैलरी थी उसका वो, और उसमें उसी का 10% इंक्रीज कर देंगे तो हमारी न्यू सैलरी आ जाएगी. मान लीजिए आज की डेट में मेरी सैलरी 500 रुपीज़ है और 10% ऑफ 500 मेरा इंक्रीज हो गया सैलरी का, तो कितना आ गया मेरा 500 तो एज इट इज़, और 10% ऑफ 500 कितना आया 50 रुपीज़. तो मेरी न्यू सैलरी कितनी आ जाएगी 50 रुपीज़ नई सैलरी आ जाएगी. तो अब हमें, हमने ये फॉर्मूला उसी से बनाया कि हमारी ये सैलरी जो ओरिजिनल सैलरी थी ये न्यू सैलरी है. तो न्यू सैलरी हमारी ओरिजिनल सैलरी में जो 10% इंक्रीज हुआ था वही है, राइट. और उन दोनों को मिला के हमारी न्यू सैलरी आई, तो उसी से हमने ये फॉर्मूला बना लिया, राइट. अब जिस जिसकी वैल्यूज़ पता है वो लिख लेते हैं. अब न्यू सैलरी क्वेश्चन में 1,54,000 दे रखी है, तो 1,54,000. ओरिजिनल सैलरी हमने एक्स मानी थी, तो एक्स प्लस 10% ऑफ ओरिजिनल सैलरी, तो 10% ऑफ ओरिजिनल सैलरी हमारी कितनी है x, तो ये कितना आ जाएगा 1,54,000 इक्वल्स टू x प्लस 10% कितना हो गया 10/100 ऑफ x का मतलब इनटू x. अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1,54,000 एज इट इज, x एज इट इज प्लस 10x, 10 इंटू x इज 10x अपॉन 100, राइट. तो अब ये कितना आ जाएगा 1,54,000 एज इट इज़. अब 100 नीचे आया LCM में, अब इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मानेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई 10 में, तो 100 इन टू एक्स प्लस 10x, तो कितना आ गया 1,54,000 इक्वल्स टू 100 इन टू एक्स 100x प्लस 10x अपॉन 100, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 1,54,000 एज इट इज़, और 100x प्लस 10x इज 110x अपॉन 100. अब x अपनी जगह रहा, 1,54,000 अपनी जगह रहा, और यहाँ से 100 ऊपर चला जाएगा और 110 नीचे आ जाएगा, तो 100 ऊपर चला गया और 110 नीचे आ गया. तो अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो देखिए 11 ones 11, 11 ones 11, 11 fours are 44, और 3 zeros as it is, तो ये कितना आ जाएगा, अब x आ गया हमारा 1,40,000 हमारा x आ गया, और x हमने किसे माना था, ओरिजिनल सैलरी को, तो हेंस ओरिजिनल सैलरी आ गई हमारी, ओरिजिनल सैलरी आ गई हमारी रुपीज़ 1,40,000 इज़ द आंसर.